सीएससी में आपको काफ़ी सारी सर्विस ऐसी मिलते हैं जो कि अनयूज होकर पड़े होते हैं। वैसे तो सीएससी में सैकड़ों सर्विस है, लेकिन सभी सर्विस यूज नहीं होता। कुछ पर्टिकुलर सर्विस तो है जो कि आप हर महीने हर साल यूज कर सकते हो। आज मैं आपको एक ऐसा सर्विस के बारे में बताने वाला हूँ जो हर साल आपको ये काम आता है। बहुत सारे लोग पेंशन लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, तो उनको हर साल अपने जो जहाँ से वो सैलरी लेते हैं, जहाँ से वो पेंशन रिसीव करते हैं, उनको अपने जीवित होने का प्रमाण देना पड़ता है। उनको लाइफ सर्टिफिकेट जिसे हम कह सकते हैं, जीवन प्रमाण पत्र। तो सीएससी में एक ऐसा ऑप्शन आ चुका है जिसमें आपको आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हो जीवन प्रमाण पत्र का। और हाँ, जिनके पास सीएससी आईडी नहीं है वो कैसे लाइफ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे, मैं इसका एक कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको आना है अपनी सीएससी के डैशबोर्ड में। इसके बाद यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सिंपल से लिखेंगे जीवन, तो आपके सामने आ जाएगा जीवन प्रमाण। इस पर क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने पांच टैब आ रहा है। आप तीन नंबर में देखिए जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं जिनके पास सीएससी आईडी है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे बिना सीएससी वाले भी यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसेस क्या है उनका। तो आपके सामने यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन है, आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर में या फिर पीसी में एक फिंगरप्रिंट डिवाइस को अटैच कर लेना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट डिवाइस की ज़रूरत होगा। तो अगर आपको पता नहीं कि कौन सा फिंगरप्रिंट डिवाइस बेस्ट है तो इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक डाल दिया हूँ, जाके आप खरीद सकते हैं क्लिक करके। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप गूगल क्रोम ब्राउज़र का ही यूज़ करें, इसके अलावा कोई अदर ब्राउज़र यूज ना करें। तो यहाँ पर हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा। सबसे पहला तो यहाँ पर देखिए व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट है। इससे पहले अगर आपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अप्लाई कर चुके हैं, देखना है या फिर डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। लेकिन हमको यहाँ पर अप्लाई करना है तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आ जाएगा रजिस्ट्रेशन पेज, बस आपको इसे फिल करना होगा। सबसे पहले कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, उनका नाम डालना है। टाइप ऑफ पेंशन में यहाँ पर क्लिक करके ईपीएस 95 फैमिली पेंशन है, अदर पेंशन है या फिर सर्विस है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। मोस्ट ऑफ द केस में सर्विस ही होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पीपीओ नंबर बोल रहा है, कस्टमर को आपको बोलना है कि पीपीओ नंबर आप दीजिए। अगर उनको नहीं पता कि पीपीओ नंबर क्या है, उनको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो आपको इस वीडियो के नीचे मैंने एक लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ पर क्लिक करके भी आप अपना अकाउंट नंबर एंटर करके जान सकते हो कि पीपीओ नंबर कौन सा है। इसके बाद सैंक्शनिंग अथॉरिटी में आप क्लिक करेंगे कि आपका सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन सा है, मतलब कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ईपीएफओ का है, रेलवे का है, डिफेंस का है, पोस्टल का है, स्टेट गवर्नमेंट का है या फिर अदर। यहाँ पर काफ़ी सारे आपको यहाँ पर बोर्ड मिलेगा गवर्नमेंट का, तो आपका कौन सा है यानी कि आपका जो कस्टमर का कौन सा है यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिसबर्सिंग एजेंसी में यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे कि आपका डिसबर्सिंग एजेंसी कौन सा है। यहाँ पर जैसे कि मैंने ईपीएफओ सेलेक्ट किया तो यहाँ पर बैंक आ रहा है, इसके बाद ग्रामीण बैंक भी आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर रेलवे पर क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर आते हैं देखिए बैंक और पोस्ट ऑफिस, जैसे कि आपको बैंक करना है। काफ़ी सारे लोग का बैंक अकाउंट में ही पैसा आता है तो आप यहाँ पर बैंक ही करें। इसके बाद एजेंसी में यहाँ पर क्लिक करके कौन सा बैंक का खाता है, आप यहाँ पर जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता आपके पास है जिसमें आपका पैसा आता है पेंशन का, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद इसको छोड़ दीजिए, कोई इग्नोर करिए, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर जो कैप्चा है यहाँ पर डाल के सबमिट पर क्लिक करेंगे। अभी आता है सबसे मेन काम। अभी काफ़ी सारे लोग का एरर आ रहा होगा या फिर किसी किसी का नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं बताऊं जिनके पास सीएससी आईडी है या फिर जो लोग डीजी पे जहाँ चलाते हैं जिस पीसी में जिस लैपटॉप में, उसी लैपटॉप में ये बराबर काम देता है। आप उसमें कीजिए, आपको कोई अदर कंप्यूटर में लैपटॉप में करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसी में करिए, आपका काम हो जाएगा। आपको लैपटॉप में अच्छे से आपका मोर्फो हो या फिर मंत्रा हो आपको कनेक्ट करके ये काम करना है। आगे आपको एक स्टेप होता है, कस्टमर का आपको फिंगर देके आपको आगे बढ़ना होता है। अभी मेन बात है काफ़ी सारे लोग के पास सीएससी आईडी नहीं है, वो कैसे अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर सिंपल से टाइप करेंगे गूगल और आपको यहाँ पर टाइप करना होगा जीवन प्रमाण लिख देंगे तो आ जाएगा, पहले ही आ जाएगा जीवन प्रमाण .gov.in। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए जीवन प्रमाण का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हो। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर तीन तरीके से बना सकते हो बोल के यहाँ पर दिखा रहा है। तो आपको कुछ डाउनलोड करना होता है, आपको यहाँ पर मैं दिखा देता रहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर पीसी में आप यहाँ पर करना चाहते हो तो विंडोज 7 से ज़्यादा वाला आपको वर्जन लोड करना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम।
32 या फिर 64 बिट होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल में एंड्रॉयड 5.0 या फिर उससे ज़्यादा अगर आपके पास है तो बेहतर है। इसके बाद ऑफिसेस में, सेंट्रल हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको आना है ऊपर। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारा मेनू है, यहाँ पर डाउनलोड का एक लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है आपको अपना ईमेल आईडी डालने के लिए, कैप्चा डाल के आई एग्री टू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर ड्राइवर डाउनलोड होगा। सबसे पहले अगर आपके कंप्यूटर में .NET फ्रेमवर्क नहीं है वो होगा, या फिर क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट है आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप यहाँ, जैसे कि मैं यहाँ पर ईमेल आईडी डाल के, कैप्चा डाल के आई एग्री टू डाउनलोड पर क्लिक कर लेता हूँ। आपके ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा जिसको आपको यहाँ पर ऐसे डालना है, इसके बाद सबमिट करेंगे। यहाँ पर देखिए अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ में कर रहे हैं, कंप्यूटर में कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे इसे, इस पर आप ऐसे क्लिक करेंगे। डाउनलोड लिंक हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी बोल रहे हैं, आप इस पर ओके करेंगे तो आपके मेल आईडी पर एक लिंक सेंड हुआ होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे मेल आईडी पर आ चुका है एक लिंक। पहला जो एक लिंक है जीवन प्रमाण इंस्टॉलर का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3.2 MB का एक जीप फाइल डाउनलोड हो चुका है। इसको हम यहाँ पर ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। इस फाइल के अंदर आपको 2 PDF फाइल मिलेगा और एक एप्लीकेशन मिलेगा, उस पर आपको डबल क्लिक करना है और आपको सारी को मिनिमाइज कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट, आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। सबसे पहला तो है जीवन प्रमाण फॉर ऑथराइज्ड बायोमेट्रिक डिवाइसेस है, जो कि मोर्फो ही होता है मेरे हिसाब से। तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे नीचे वाले में, डू यू हैव मोर्फो डिवाइस में। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट और इंस्टॉल फिनिश। आपका यहाँ पर देखिए एक जीवन प्रमाण बोल के आ चुका है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं बायोमेट्रिक डिवाइस RD सर्विस नॉट रेडी स्टेट, प्लीज़ कनेक्ट योर बायोमेट्रिक डिवाइस एंड रिस्टार्ट RD सर्विस फ्रॉम द सर्विसेज एंड ट्राई अगेन। अगर आपको यहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट डिवाइस को अटैच करने के बाद भी ये एरर आता है, लेकिन मैंने अपने PC में कोई भी बायोमेट्रिक डिवाइस को अटैच नहीं किया हूँ, फिर भी अगर आपको यहाँ पर बोलता है कि आपको सर्विस मेनू में जाके इसे रिस्टार्ट करना है, तो आपको सर्च पे क्लिक करके SER यानी कि सर्विस पर क्लिक करना है यहाँ पर। इसके बाद आपको M प्रेस करना है, M पे देखिए मोर्फो स्मार्ट USB ये नहीं है, मोर्फो RD सर्विस ये वाला है। आपको यहाँ पर रिस्टार्ट पर क्लिक कर देंगे ऐसे, तो ये रिस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका ये काम करने लगेगा, ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके किसी भी कस्टमर का, कोई भी पेंशनर का आप लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हो इजीली। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो नीचे लिंक है, आप जाके फॉलो कर सकते हैं।